शुभमन गिल की इनिंग्स के हवाले से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। और ये भारत की गुड लक कहना चाहिए, उनका सिस्टम की बात करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे बेहतरीन बैटर प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इनिंग्स को? बट अनफॉर्चुनेटली फिनिश नहीं कर पाए। देखिए, इसलिए कि बाकियों ने हेल्प भी नहीं की, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैं समझ ऑलमोस्ट दे गॉट देयर। जो इरफान बैट्समैन होता है, जिसमें एक नेचुरल टैलेंट एबिलिटी होती है, वो ऐसे लगता है जैसे उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है। आप रोहित शर्मा को देख लें, इवन विराट कोहली को देख लें, आप बाबर आजम को देख लें, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि ये बाकी जो है। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे आईपीएल 2024 के एक शानदार मुकाबले गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच, जहां राशिद खान और शुभमन गिल ने दिखाया जबरदस्त प्रदर्शन। चलिए देखते हैं मीडिया का क्या रिएक्शन है। दोस्तों, ये आईपीएल 2024 का मुकाबला देखकर तो हम भी हैरान है। राशिद खान ने तो अपना कमाल दिखाया। बिल्कुल, राशिद खान ने अपने बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी धमाका किया और शुभमन गिल ने भी अपने फैंस को खुश कर दिया। पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है इस बारे में, आइए देखते हैं। दोस्तों, मुबारक हो गुजरात टाइटंस वालों को, जो ऊंटों पे चलते थे, जिसे किसी ने न मोड़ा, उसे टाइटंस ने थोड़ा। मजा आ गया भाई। आपके मुंह से जीत कैसे छीनी जाती है, ये आज राशिद खान ने बता दिया है। ओए होए होए, क्या कमाल का और लाजवाब किस्म का मैच हुआ आज आईपीएल में, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। आखिरी बॉल पे जाके मैच का फैसला हुआ। आखिरी ओवर तो पूछो ही ना, अनबिलीवेबली परफॉर्म, डूब मरो बाकी सारे। तो आज राशिद खान जो है वो राजस्थान रॉयल्स को ही खा गए और एंड पे जाके मैच बिल्कुल जो अपनी गिरफ्त में किया, ऐसा किया कि मैच लेग ही उड़ गए। तो बहुत बेहतरीन, दिस इज व्हाट वी कॉल टी20 क्रिकेट, यू नेवर नो एट द एंड, एक बिल्कुल बहुत मुश्किल कंडीशंस का भी मैच इधर से इधर हो जाता है। क्या गेम हुआ आज का भी, मतलब बजा के रख दिया। जब रियान पराग, मतलब अगले ने छक्के मार मार के ना घंटा बजा दिया पकड़ के, मतलब इतना मारा है उसने। ये वही रियान पराग है जिसपे हम लोग मीम्स बनाते रहे हैं पिछले कुछ सालों में, मतलब चल नहीं था रहा, लेकिन आज उसने क्या बैटिंग की है। मैच देखकर गुजरात टाइटंस ने तो भाई हमारी गोटियां मुंह से बाहर ही निकाल दी थी भाई। लेकिन मैच इतना बैड सिचुएशन में नहीं जाता अगर मिड ऑर्डर थोड़ी सी हिम्मत दिखा देते तो आज का मैच बड़ी इजी तरीके से जीत जाते। लेकिन एक बात जो बहुत जरूरी है और हकीकत भी है, बकवास फील्डिंग, बकवास बैटिंग और साथ में बकवास बॉलिंग गुजरात टाइटंस की। दोस्तों यकीन करें, ना बॉलिंग में मजा, ना इनकी फील्डिंग में मजा, ना इनकी बैटिंग में मजा। आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे और आखिरी बॉल पे 2 रन चाहिए थे और चौका लगा के जो है वो राशिद खान ने मैच जितवा दिया। आखिरी ओवर में क्या क्या नहीं हुआ, 3 रन निकालने के चक्कर में टिवाटिया जो रन आउट भी हो गए, उसके बावजूद स्ट्राइक जो है वो राशिद खान के पास था और जो अवेश खान को चौका लगा के आखिरी बॉल पे राशिद खान ने मैच जो है वो बिल्कुल जो है वो आप ये कह सकते हैं कि राजस्थान रॉयल्स की जोली से छीन के जो है वो गुजरात टाइटंस की जोली में डाल दिया। वो कौन सी माया है जो रियान पराग जैसा बेटा पैदा करती है? आईपीएल कम और राजी ट्रॉफी का रिजल्ट ज्यादा लग रहा है। जो लोग इतनी स्ट्रगल करके राजी ट्रॉफी में आगे आते हैं, वो आगे आईपीएल में खेल रहे होते हैं और परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपने आप को जो है वो प्रोमिनेंटली दिखा रहे होते हैं। आई एम गोना से रियान, कांग्रेचुलेशंस, यू आर हैविंग अ ब्राइट ब्राइट फ्यूचर। और ये हमने बहुत बार देखा हुआ, बहुत बार हमने ये फिल्म देखी हुई है और ये फिल्म आज फिर इसका ट्रेलर क्या पूरी फिल्म दोबारा देखी है कि एक टीम थ्रू आउट द मैच बहुत अच्छे मोमेंटम में नजर आ रही थी, स्पेशली इन सेकंड इनिंग्स जो राजस्थान रॉयल्स है, लेकिन एंड में जाके उस मोमेंटम को वो नहीं कैरी कर सके और बिल्कुल डाइंग मोमेंट ऑफ द मैच में जाके वो टीम जो कि पीछे थी, वो कछुए और खरगोश वाली कहानी, एंड में जनाब वो जीत गए और धड़ल्ले से जीत गए। यान के बल्ले को खून लग चुका है और अब वो रुकने वाला नहीं है। आने वाले टाइम्स में मैं आपको बताऊंगा कि रियान की जो एग्जिस्टेंस है आपको इंडिया की क्रिकेट टीम में देखने को मिलेगी। यूसुफ पठान ने एक प्रेडिक्शन किया है कि रियान वो बल्लेबाज है जो कि मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 से 2 सालों में आपको अपना जलवा पूरी आबोताब के साथ इंडियन क्रिकेट टीम में दिखाएगा। शुभमन गिल को छोड़ के दोस्तों ना टॉप ऑर्डर चल रहा है हमारा, ना मिड ऑर्डर चल रहा है, लेकिन भाई आज का मैच दोस्तों जीत गए एनीवे भाई, मजा आ गया। वेलकम बैक राशिद खान भाई। क्या आपने जो है वो बैकअप किया है दोबारा, किस तरीके से आपने कमबैक किया है मैं आपको बता नहीं सकता हूं मेरे दोस्त, लव यू। आज आपने जो है मैच जितवा दिया, नहीं तो भाई 100 में से 99% लग रहा था कि ये मैच भी गुजरात टाइटंस हारेगी। यार क्या कमाल के मैचेस हो रहे हैं आज, सोचा नहीं हुआ था जैसी जो है वो गुजरात की बैटिंग हो रही थी कि ये मैच जो है वो आखिरी बॉल तक जाएगा और वहां पर जाके आखिर पे जाके आखिरी बॉल पे जो है गुजरात टाइटंस ये मैच जीत जाएंगे।
ओए यार, व्हाट आ मैच, व्हाट आ फिनिश, क्या कमाल के मैचेस हो रहे हैं। कुछ आखिरी जो 3-4 मैचेस हुए हैं ना भाई साहब, क्या ही लाजवाब किस्म के मैचेस हो रहे हैं यार। आज आप देखें कि 196 रन जो है वो राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर्स में बनाए हुए थे, और ये जो है वो 20 ओवर्स में जाके चेस कर लिए हैं गुजरात टाइटंस ने। गुजरात की जानब से आप देखें, शुभमन गिल की बात करें, बहुत कमाल की बैटिंग की, 44 बॉलें, 72 रन, 6 चौके, 2 छक्के जो है इन्होंने लगाए, और उसके बाद जब शुभमन गिल आउट हुए ना, तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच जो आप जो राजस्थान रॉयल्स के हाथ में है, लेकिन नहीं भाई, उसके बाद हमने देखा कि जो काम जो टिवाटिया ने आगे किया, जो काम आगे जो है वो राशिद खान ने किया है ना, अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल। चौका, 1 छक्का, चौका, छक्का, बजा के रख दिया उसने, मतलब जो आ रहा था उसको वो मार रहा था, जो आ रहा था उसको वो मार रहा था, और अपनी टीम को कहां वो जो है वो 180-90 के पास ले गया, और उधर से फिर अपनी उस, मतलब जाहिर सी बात है, जब आप इतना गंदा स्टार्ट करते हो, फिर उसके बाद जब आप एक ऐसी स्टार्ट की ऐसा एंड करते हो, तो फिर भाई आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस में चले जाते हो। रियान पराग ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, और ये वही रियान पराग है जिसको हम चाहते थे कि यार ये चलता ही नहीं है, ये चलता ही नहीं है। लेकिन इस साल अरफान पठान ने भी भाई जान भाई, मैंने ट्वीट देखा कि रियान पराग अगले 2 साल में इंडिया की तरफ से खेलेगा। गिल बहुत अच्छा खेला ऊपर से, नो डाउट, लेकिन जॉब वॉज नॉट डन एंड पे ये टिवाटिया, और खास करके राशिद खान ने जो कमाल किया है और अपनी टीम के लिए मैच जीता है। काफी क्वेश्चंस तो उठेंगे कि भाई इतना अच्छा टोटल डाल के भी आप इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप के साथ कैसे आप मतलब हार गए। तो एक तो ये है कि आप बोल्ट 2 ओवर, और जब आपके लिए वो बर्गर अच्छा कर रहे हैं, आई डोंट नो इफ ही इज फिट, और क्या मसला उसके साथ हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है, क्यों नहीं हुआ, तो ही शुड हैव बीन देयर। तो काफी मसाइल की इन्होंने कोई हट के कुछ काम करने की कोशिश की है, हालांकि जो आपका विनिंग कॉम्बिनेशन है, मोमेंटम है, सब अच्छा चल रहा है। और पिछले दिनों भी हमने पोल डाला कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो बॉलिंग है वो इस पूरे आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की है, तो मेरे ख्याल मौसम भाई कोई 35% या 65% लोगों ने बोला था यस, और कोई 30-25% लोगों ने बोला था यस। तो ये शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परमेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी अलोंग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे, और मुश्किल पिच पे रन करने वाले हैं। आप देख रहे हैं रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं मुश्किल पिच पे, कभी बोल्ड हो जाते हैं, कभी यू नो फोकस नहीं होता, ये उनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, और मुझे ऐसा लगता है ये सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इनके में पोटेंशियल बहुत है, मैं फ्रस्ट्रेट भी होता हूं, क्योंकि ये है अमृतसर से, और लाहौर से अमृतसर है कितना, 40 मील, और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है, और मैं समझता हूं कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं कि हम ऐसे यंग टैलेंट और जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्ले के साथ। टिवाटिया अगर रन आउट ना होता तो शायद वो बॉल मिस भी कर सकता था, लेकिन राशिद खान को आखिरी बॉल मिला, आखिरी बॉल में जो है चौका लगा के मैच फिनिश कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया हैरान नजर आ रहा है।